भारत के वीर सुनील कुमार ने मंगलवार से शुरू हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ही ग्रीको रोमन के फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। सुनील ग्रीको रोमन में गोल्ड जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। रोम रैंकिंग सीरीज के रजत पदक विजेता सुनील ने फाइनल में किर्गिस्तान के अजत को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। सुनील को 2019 में फाइनल में हराकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार वह अपने पदक का रंग बदलने में कामयाब रहे। सुनील ने इसके साथ ही ग्रीको रोमन में स्वर्ण पदक जीतने के भारत के 27 साल के सूखे को समाप्त कर दिया है, यानी कि 27 साल का जो सपना था भारत का वो पूरा हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि सुनील ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में जापान के ताका हीरो को 8-2 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान के अजमत को 12-8 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। स्वर्ण पदक विजेता सुनील ने कहा कि भारत के लिए आज पहला स्वर्ण पदक जीत के मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी तकनीक पर काफ़ी मेहनत की थी, अब मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने पिछले साल फाइनल के प्रदर्शन की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन किया। सुनील के ऐतिहासिक स्वर्ण से पहले अर्जुन हालाकुर्की, जो कि 55 किलोग्राम की कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने कांस्य पदक मुकाबले में कोरिया को 7-4 से हराकर कांस्य पदक जो है जीता। हालांकि मेहर सिंह को 130 ग्राम की कैटेगरी में कांस्य पदक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि मेहर को कांस्य पदक मुकाबले में किर्गिस्तान के रोमन किम के खिलाफ करीबी मुकाबले में 2-3 से मात खानी पड़ी। अब देखने वाली बात यह है कि भारत के और कितने वीर भारत का नाम रोशन करते हैं और भारत के लिए इसी तरह गोल्ड मेडल जीते रहते हैं और भारत को टॉप पर ले आते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बेबाक देखना है और हर नई पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए आपने वो बेल आइकन दबाना है और अपने NTS को सुनते रहना है। आप देखते रहे बेबाक।